नमस्कार मित्रों, जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास के अंतर्गत, आपको बताया था संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और हिंदी। इस प्रकार आप लोग एक आरेख बनाइएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत का विकास बताया था 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद पाली का जो काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, उसके बाद 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, फिर अपभ्रंश काल 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। उसके बाद जो हिंदी का विकास जो हम वर्तमान काल में देख रहे हैं, इसका 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का जो ये काल है। इस प्रकार आप लोग एक आरेख बनाइएगा, मतलब परीक्षा से पहले कम समय में उसको आप लोग दोहराने के लिए और सरल रूप से उसको याद रखने के लिए काम आएंगे। उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक विकास से संबंधित एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद बोलियों से संबंधित भी मतलब विस्तार से एक चित्र पर भी ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ अपभ्रंश या प्राकृत से संबंधित जो भी भाषा है, भाषा का विकास हुआ है, उसके बारे में यहाँ देखिएगा। पहले अंश जो है सौरसेनी प्राकृत, इस प्रकार आरेख एक बनाइएगा। आरेख में सबसे पहला बिंदु है यहाँ सौरसेनी प्राकृत, उसके बाद अर्धमागधी प्राकृत या अपभ्रंश, उसके बाद मागधी, उसके बाद चौथा बिंदु है नागर, नागर के बाद खस। फिर सौरसेनी के अंतर्गत आपको पश्चिमी हिंदी सामने प्रस्तुत है पर्दे पर, उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से यह निम्नलिखित पूर्वी हिंदी वर्ग का विकास हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा जो है मागधी अपभ्रंश या प्राकृत के अंतर्गत आपको नीचे दिया गया, देखिए बिहारी हिंदी वर्ग, इसको कौसली भी कहते हैं। कर्सर का यह जो बाण देखिए, आपको आसानी से समझने के लिए दिखा रहा हूँ। इधर एक मैथिली है, फिर इसमें मगही भोजपुरी दिया गया है। फिर आप चौथे बिंदु पर ध्यान देंगे तो नागर है। नागर का विकास जो है मतलब नागर अपभ्रंश या प्राकृत के अंतर्गत राजस्थान हिंदी वर्ग का विकास हुआ है। फिर इसके बाद खस अपभ्रंश या प्राकृत पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। इस प्रकार परीक्षा में इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। फिर एक एक अंश से संबंधित हम लोग अभी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सौरसेनी प्राकृत में पश्चिमी हिंदी वर्ग विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत आपको देखिए नीचे पश्चिमी हिंदी के नीचे ब्रज है, ब्रज के नीचे कन्नौजी हैं, फिर कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, निमाड़ी, इस प्रकार विकास हुआ है। यहाँ इस प्रकार विकास के अंतर्गत प्रश्न बन सकता है कि कोई भी एक बोली देकर किस अपभ्रंश से विकास हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, ब्रज है, ब्रज बोली का विकास किस हिंदी वर्ग के वर्ग से विकास हुआ है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। नहीं तो किस अपभ्रंश या प्राकृत से विकास हुआ है, मतलब इसका सही उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश या सौरसेनी प्राकृत। फिर दूसरा देखिए अंश, अर्धमागधी प्राकृत या अर्धमागधी अपभ्रंश, इसमें अगर प्रश्न इस तरह बन सकता है कि पूर्वी हिंदी वर्ग किस अपभ्रंश या प्राकृत से विकास हुआ है, यहाँ सही विकल्प होगा अर्धमागधी प्राकृत या अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर इसमें आपको तीन बोलियाँ हैं, तीन उपभाषाएँ हैं, एक अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, ये तीन प्रकार यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। उसके बाद तीसरा अपभ्रंश या प्राकृत देखिएगा, मागधी है, इस मागधी अपभ्रंश या प्राकृत से बिहारी हिंदी वर्ग का विकास हुआ है, इसको कौसली भी कहते हैं बिहारी हिंदी वर्ग को। फिर इसके अंतर्गत तीन मुख्य बोलियां हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। फिर यहाँ प्रश्न इस तरह बन सकता है कि मैथिली बोली का विकास किस अपभ्रंश या किस प्राकृत से हुआ है, सही विकल्प होगा मागधी अपभ्रंश या मागधी प्राकृत से। बिहारी हिंदी वर्ग से
इस बोली का विकास हुआ है। इसमें निम्नलिखित कोई एक सही विकल्प होगा, भोजपुरी देंगे, अन्य तीन विकल्प जो हैं अन्य विकल्प दे सकते हैं, वहाँ सही उत्तर होगा भोजपुरी। इस प्रकार चौथा अपभ्रंश या प्राकृत है नागर। नागर से राजस्थानी हिंदी वर्ग का विकास हुआ है। इसके अंतर्गत आपको पांच बोलियां हैं। प्रश्न बन सकता है कि यह बोली राजस्थानी हिंदी वर्ग से विकास हुआ है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ कोई एक मारवाड़ी देंगे या ढूंढारी देंगे, हाड़ौती देंगे, मेवाती देंगे या मालवी, कोई एक विकल्प देते हैं तो उस सही विकल्प को चयन करना होगा। उसके बाद खस अपभ्रंश या प्राकृत से इस बोली का विकास हुआ है, वहाँ कुमाऊनी एक सही विकल्प होगा। उसके बाद तीन जो हैं गलत विकल्प होंगे, तो कुमाऊनी विकल्प पर आप लोग सही विकल्प का चयन करना होगा। इस प्रकार आप लोग इससे पहले कार्यक्रम में बताया था कि एक आरेख बनाइएगा, आरेख से अगर आप खुद प्रश्न बनाते हुए या जोड़ी भी दे सकते हैं, मतलब कुछ बोलने वाले क्षेत्र भी देंगे, उसके सामने बोलियां देंगे, तो जोड़ी बनाते हुए सही विकल्प पर चयन करना होगा आप लोगों को। उसके बाद हम इस बोलियों के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पर और एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया, यहाँ चित्र में देखिए, इधर नीले रंग में देखिए भोजपुरी का क्षेत्र। मैं आप लोगों को बताया था इससे पहले, कोई एक मानचित्र लीजिए, वो बोलने वाला जो क्षेत्र है उसको इस प्रकार, यहाँ बाण को देखिए, मतलब कर्सर को देखिए, तो इस प्रकार आप लोग अगर अलग अलग एक चित्र बनाते हुए मतलब ये प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो याद रखने के लिए अत्यंत आसान होगा। ये भोजपुरी है नीले रंग में, उसके बाद पीले रंग में मैथिली भाषा से संबंधित, उसके बाद पश्चिमी मैथिली से संबंधित इधर केसरिया रंग में है, उसके बाद पिंक रंग में इधर मैथिली से संबंधित। इस प्रकार सिर्फ उदाहरण के तौर पर आपके सामने यह मानचित्र को प्रस्तुत किया था। फिर इसमें हरा रंग जो है, हरे रंग में मगही बोली जो है उसका क्षेत्र यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रकार आप लोग अगर बोलियों को मानचित्र के सहारे लेते हुए खुद प्रश्न बनाते हुए अभ्यास करेंगे तो अत्यंत आसान होगा। और विषय में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे खड़ी बोली या कौरवी। यह रामपुर, मुरादाबाद, बीकानेर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, पूर्वी अम्बाला और पटियाला में जो पूर्वी भाग है उस भाग में प्रयुक्त होती है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो खड़ी बोली है कौरवी, दोनों उपनाम है इसका। कोई भी एक क्षेत्र देते हैं, मुजफ्फरनगर में यह बोली बोली जाती है, तो आपको विकल्प में कौरवी रहेंगे, मतलब खड़ी बोली ना देते हुए कौरवी देते हैं। बाकी जो तीन हैं वह गलत विकल्प देते हैं। इसका क्षेत्र जो है बांगरू, ब्रज और पहाड़ी के बीच पड़ता है, मतलब खड़ी बोली या कौरवी बोली जो है चारों ओर बांगरू, ब्रज और पहाड़ी बोलियों से घिरा हुआ है। उसके बाद बीकानेर की कौरवी जो है परिनिष्ठित अर्थात मानक खड़ी बोली या कौरवी मानी जाती है। उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कन्नौजी हैं। कन्नौजी में आपको इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर के कुछ भागों में या कुछ आसपास का क्षेत्र है हरदोई और पीलीभीत में बोली जाती है कन्नौजी। उसके बाद कन्नौजी के अंतर्गत देखिएगा कन्नौज और ब्रज में बहुत समानता होने के कारण ग्रियर्सन और धीरेंद्र वर्मा इसे ब्रज के अंतर्गत मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न बन सकता है कि ग्रियर्सन और धीरेंद्र वर्मा ने किस बोली या इस बोली को समानता पाए मानते हैं, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। वह सही विकल्प है कन्नौजी, या कन्नौजी और ब्रज में बहुत समानता इनके द्वारा मान्यता प्राप्त की है या ये लोग मानते हैं, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। वहाँ आपको विकल्प में जॉर्ज ग्रियर्सन और धीरेंद्र वर्मा दो लोगों का नाम रहता है। इस प्रकार आप लोग प्रश्न खुद बनाने के योग्य होना चाहिए और अभ्यास उस प्रकार करना चाहिए कि
कम समय में आप प्रश्न का उत्तर जो है हल करने के लिए अभ्यास करना होगा और उस तरह प्रयास करना होगा। यह ब्रज, बुंदेली, अवधी, नेपाली और कुमाऊनी बोलियों से घिरी हुई है। कन्नौजी बोली मतलब चारों ओर ये बोलियों का क्षेत्र है। उसके बाद अगला बिंदु है बुंदेली। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बुंदेलखंड में बोली जाने के कारण इसे बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उस शब्द से बुंदेली शब्द बना है, इसलिए इस बोली को बुंदेली कहते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालमऊ, झांसी तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओरछा जिलों में यह बुंदेली बोली जाती है। मतलब बोलने का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। इसका परिनिष्ठित रूप सागर और ओरछा में मिलता है। मतलब परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी बताया था फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ, कोई भी उपभाषा या बोली क्षेत्र चारों ओर सीमाएं उस बोली या साहित्य में जितने भी कवि हैं रचनाकार उस पर ध्यान देना होगा आपको। फिर उसके बाद बोली जाने वाले क्षेत्र और परिनिष्ठित कहाँ बोली जाती है, मानक भाषा या मानक बोली किस क्षेत्र में मानक मतलब परिनिष्ठित भाषा बोली जाती है। इस प्रकार पांच चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो जल्दी याद रहेगा। अब बुंदेली अपने चारों ओर अवधी, मराठी, राजस्थानी और ब्रज से घिरी हुई है। मतलब उसका सीमाओं का क्षेत्र वही है। इसके बाद बुंदेली के अंतर्गत जो सीमांत पर बुंदेली इनसे पर्याप्त रूप से प्रभावित है। मतलब आप कोई भी भाषा को लीजिए, मतलब सीमा से बाहर मतलब सीमाओं में जो बोली जो भाषा जो उपभाषा बोली जाती है उसका प्रभाव बिल्कुल रहता है। आप किसी भी मतलब दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी देश में जाइए, जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं तो दो भाषाओं के बीच में जो सीमा है, सीमा रेखा है, उस सीमा क्षेत्र में उस भाषा के कई प्रकार के शब्दावली मिलेंगे और जो दूसरी भाषा से संबंधित कई प्रकार के शब्दावली प्राप्त होंगे। इस प्रकार बिल्कुल चाहे वो बोली हो, चाहे वो उपभाषा हो या भाषा हो, उसका प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। उसके बाद अगला बिंदु है हरियाणवी या बांगरू। मतलब हरियाणवी का दूसरा नाम है बांगरू। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र हरियाणा में करनाल, रोहतक, हिसार, जींद और पंजाब में पटियाला क्षेत्र में उसके बाद नाभा में बोली जाती है ये हरियाणवी या बांगरू। मतलब ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में यह बोली बोली जाती है। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, सही उत्तर होगा बांगरू, नहीं तो उसका दूसरा नाम भी याद होना चाहिए कि हरियाणवी। उसके बाद हरियाणवी या बांगरू के अंतर्गत हरियाणवी का प्रदेश जो है उसके चारों ओर से खड़ी बोली, वर्तनी की त्रुटि है इधर, खड़ी बोली या कौरवी, पंजाबी, अहिरवाटी और मारवाड़ी से घिरा हुआ है हरियाणवी या बांगरू बोली। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, निमाड़ी और एक बोली है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत। यह परिनिष्ठित निमाड़ी खंडवा और खरगोन के बीच बोली जाती है। निमाड़ी जो है अपने चारों ओर से मालवी, मराठी, बुंदेली और खानदेशी और भीली से घिरी हुई है ये निमाड़ी बोली। उसके बाद हम दूसरा पड़ाव में चले जाएंगे, पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग। मतलब पश्चिमी हिंदी के बारे में हम चर्चा किए हैं, उसके बाद पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे कुछ मुख्य बिंदुओं पर। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली बोलियों के समूह के लिए पूर्वी हिंदी नाम भी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है। ये जो पूर्वी हिंदी उसे कहते हैं जो हिंदी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मतलब पूरब में, जैसे अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं, ईस्ट में जो भी क्षेत्र है हिंदी प्रदेश के, तो वहाँ ये पूर्वी हिंदी क्षेत्र पड़ता है। यह नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है, इसलिए परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा कि किनके द्वारा
पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग को यह नाम पड़ा है। कौन दिए हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के? तो यहाँ सही विकल्प होगा आपको जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन इस उपभाषा उपवर्ग को नाम दिया है। इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, वहाँ सही विकल्प होगा पूर्वी हिंदी। इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए परीक्षार्थी। फिर पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आपके सामने प्रस्तुत है, यह पश्चिमी हिंदी के अनुरूप है, मतलब पश्चिमी हिंदी का जो प्रभाव है इस पर पड़ा है। वास्तव में इस क्षेत्र में 3 बोलियाँ बोली जाती हैं, मतलब पूर्वी हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फिर अलग उप बोलियाँ हैं, जैसे पहला है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। इस प्रकार 3 बोलियाँ इस पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। फिर हम इस तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रियर्सन अवधी और छत्तीसगढ़ी को ही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखने के पक्ष में थे, लेकिन जनमत के कारण बघेली को भी पूर्वी हिंदी में रखना पड़ा है। इसलिए परीक्षार्थी ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैं 3 बोलियों को सामने प्रस्तुत किया था, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। लेकिन इन तीनों बोलियों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधी और छत्तीसगढ़ी सिर्फ 2 बोलियों को ही पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग कोटि में रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन पूर्वी हिंदी क्षेत्र में इन उपबोलियों को या इन बोलियों को रखे हैं, अवधी और छत्तीसगढ़ी, सिर्फ 2 बोलियों को इन्होंने इस कोटि में रखे हैं। वास्तव में जनमत के कारण सिर्फ 3 आएंगे आपको, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा अवधी और छत्तीसगढ़ सिर्फ दोनों को ही ये मानते हैं। लेकिन तीसरी बोली जो है बघेली, जनमत मतलब बोलचाल की भाषा के रूप में जितने भी जनता इस भाषा को बोलते हैं, उस बोली को ये लोग बघेली को इस कोटि में रखे हैं। इस प्रकार पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आपको 3 मुख्य बोलियाँ आएंगे। उसके बाद पूर्वी हिंदी उपभाषा के वर्ग के अंतर्गत हम ध्यान देंगे अवधि का काफ़ी महत्व है साहित्य में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी में की है, मतलब आप जानते ही हैं प्राथमिक रूप से जानकारी रामचरितमानस की भाषा अवधि है, ठेठ अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो इस प्रकार जो भी बोली आएंगे उस बोली में जो मौलिक साहित्य प्राप्त होंगे उससे सुमेलित करते हुए आप लोग अध्ययन करना होगा। एक बोली है अवधि, अभी उदाहरण के तौर पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इस अवधि में कितनी रचनाएं हैं, कौन कौन रचनाएं लिखें, तो इस प्रकार आप लोग खुद सोचते हुए जो भी आपके सामने आपके पास जो भी पाठ्य मतलब संदर्भ ग्रंथ हैं अध्ययन करते हुए वो सब अवधि में लिखे गए हैं, जितने भी रचनाएं हैं रचनाकार हैं एक सामग्री बनाइएगा, बहुत आसान होगा। उसके बाद अवधि के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश में फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्ज़ापुर के कुछ भागों में लखनऊ, उन्नावा, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर के कुछ भागों में और नेपाल की तराई में यह अवधि भाषा बोली जाती है। मतलब अवधि भाषा जो है इसका क्षेत्र जो है बहुत विस्तार से है। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में कुछ भाग पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है अवधि। इसलिए उस समय की भाषा जो है अवधि थी रामचरितमानस के समय में। अवधि का साहित्य मुख्य रूप से नागरी और फारसी लिपि में लिखा गया है। अवधि से संबंधित जो भी साहित्य प्राप्त होता है इसमें इस साहित्य जो है साहित्य की लिपि जो है नागरी और फारसी लिपि में लिखा गया है। हम सब लोग जानते ही हैं रामचरितमानस की भाषा तो अवधि है, लेकिन लिपि जो है नागरी है, उसके साथ साथ फारसी भी है। फारसी लिपि में भी रामचरितमानस की मानस रचना लिखी गई है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि मतलब प्राथमिक विषय को ना लेते हुए थोड़ा विस्तार से व्यापक मतलब गहन रूप से अगर प्रश्न बनाए इस संदर्भ में
तो आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि रामचरित मानस की लिपि यह है। तो निम्नलिखित चार विकल्पों में आपको फारसी रहेंगे, उसके बाद अन्य तीन गलत विकल्प रहेंगे, मतलब नागरी में भी लिखी गई है रामचरित मानस की रचना। तो इस प्रकार आप लोग फारसी पर, फारसी विकल्प पर टिक करना होगा, फारसी विकल्प चयन करना होगा, वह सही विकल्प है। इस प्रकार पूर्वी हिंदी के जो अवधि है, इस प्रकार मुख्य बिंदु है, अवधि के तीन उपरूप माने जाते हैं विद्वानों के द्वारा। जो साहित्य में जो भी साहित्यकार हैं, विद्वान हैं, ये लोग अवधि के तीन उपरूप मानते हैं। पश्चिमी अवधि सबसे पहला बिंदु है, इसमें कन्नौज की कुछ प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी अवधि मतलब अवधि क्षेत्र जो बताया था आप लोगों को, तो अवधि के पश्चिम रूप में मतलब पश्चिम दिशा में जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कन्नौजी की एक प्रवृत्ति पाई जाती है पश्चिमी अवधि में। उसके बाद दूसरा बिंदु है केंद्रीय अवधि, यह भोजपुरी से प्रभावित है, मतलब कोई भी भाषा है दूसरी भाषा से प्रभावित होती रहती है कालक्रमानुसार। इसमें तीसरा बिंदु है पूर्वी अवधि, यह बारंबाकी, बहराइच और रायबरेली में बोली जाती है अवधि की जो पूर्वी अवधि है वह। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इसे कोसली से उद्धृत मानने के पक्ष में हैं। अवधि बोलियों में मिर्जापुर, बनौधी और बैसबाड़ी प्रमुख हैं। अवधि के कुछ उप बोलियाँ हैं, वह मिर्जापुरी, बनौधी और बैसबाड़ी प्रमुख माने जाते हैं विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना इसको उद्भुत मानने के पक्ष में हैं या उद्भुत मानने के मतलब जोर दिए हैं, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ सही विकल्प है कोसली। उसके बाद हम और एक बिंदु पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत और एक बोली है छत्तीसगढ़ी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसको हम छत्तीसगढ़ी कहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाने के कारण यह शब्द पड़ा है छत्तीसगढ़ी। यह बोलने का क्षेत्र है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, संभलपुर के पश्चिमी भाग, कांकेर, नंदगांव, बस्तर तथा बिहार के कुछ भागों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ मतलब तेलंगाना राज्य के सीमा क्षेत्र है, सीमा पर पड़ता है, इसलिए जैसे आप मतलब तेलंगाना राज्य से भद्राचलम से आगे निकलेंगे तो वहाँ से आपको बस्तर पड़ेगा, उसके बाद नंदगांव, बिलासपुर, रायपुर, इस प्रकार क्षेत्र पड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ी जो है इतने क्षेत्रों में बोली जाती है। बिलासपुर की छत्तीसगढ़ी परिनिष्ठित मानी जाती है, जैसे इसे पहले भी आपको बताया था कि प्रत्येक बोली का परिनिष्ठित रूप अर्थात मानक रूप कहाँ बोली जाती है वो भी याद रखना होगा। ये छत्तीसगढ़ी बोली जो है बिलासपुर में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, लेकिन रायपुर में नहीं बोली जाती है, लेकिन रायपुर के पास बिलासपुर है, बिलासपुर में परिनिष्ठित छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। उसके बाद संभलपुर की छत्तीसगढ़ी उड़िया से प्रभावित है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि संभलपुर की छत्तीसगढ़ी भाषा या बोली किस से प्रभावित है, तो वहाँ उड़िया भाषा से प्रभावित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ी जो है सुरगुजा की छत्तीसगढ़ी पर छोटा नागपुर और रांची की महई का प्रभाव है। फिर पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग पर ध्यान देंगे तो वहाँ और एक बोली है बघेली, बघेलखंड के बोली जाने के कारण इसे बघेली कहते हैं। तो पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत इतने प्रकार की बोलियाँ हैं। फिर हम बघेली के अंतर्गत ध्यान देंगे, इसका केंद्र रीवा है, इसके अतिरिक्त दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर तथा हमीरपुर के कुछ भागों में बोली जाती है
बघेली। उसके बाद बघेली में ध्यान दीजिएगा, यह अवधि भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मराठी और बुंदेल से घिरा हुआ है, मतलब इसका चारों ओर क्षेत्र, सीमा क्षेत्र हैं, ये हैं अवधि भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मराठी और बुंदेली। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बघेली और अवधि में अत्यधिक समानता होने के कारण इसको अलग नहीं मानते हैं कुछ विद्वान। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि किन दो बोलियों में समानता पाई जाती है। निम्न चार विकल्प होते हैं, उसमें तीन विकल्प जो हैं गलत होंगे, एक सही विकल्प है बघेली और अवधि। इससे पहले भी आपको समानता पाई जाने वाले कुछ बोलियाँ भी हैं, वह आपके सामने प्रस्तुत किया था मैं। बघेली के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इसमें लोक साहित्य मिलता है, पहले कैथी लिपि में लिखते थे लेकिन वर्तमान काल में नागरी लिपि में बघेली लिखी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले फारसी से संबंधित भी चर्चा की, फिर नागरी लिपि, उसके बाद कैथी लिपि। कैथी जो है कैथी लिपि में बघेली बोली लिखी जाती है और इसमें लोक साहित्य प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हम लोग तीन या चार या पांच बोलियां जो हैं उन बोलियों में लोक साहित्य प्राप्त होती है। उसको एक जगह लिखिएगा, आप लोग दोहराने के लिए बहुत आसान होगा लोक साहित्य के संदर्भ में। उसके बाद तीसरा पड़ाव है राजस्थानी हिंदी। हम चर्चा कर रहे थे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर तीसरा पड़ाव है राजस्थानी हिंदी। या राजस्थानी शब्द राजस्थान में प्रयुक्त होने के कारण, या राजस्थान के जो भी भाषाएं, भाषा रूपों या बोलियों के कारण यह शब्द एक सामूहिक रूप में नाम दिया गया है। उसके बाद राजस्थानी हिंदी का जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर एक तरफ सिंधी है, फिर लहंदा है, पंजाबी है, बांगरू है, ब्रज है, मराठी और गुजराती से घिरा हुआ है, मतलब राजस्थानी हिंदी के सीमा क्षेत्र हैं। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को पांच वर्गों में विभाजित किया था। बहुत उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी को जो हम पांच वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन को सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पांच भागों में विभाजित किए हैं राजस्थानी हिंदी को। इसमें पहला है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आपको मारवाड़ी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, अहिरवाटी मेवाती, फिर तीसरा बिंदु है मध्यपूर्वी राजस्थानी। मध्यपूर्वी राजस्थानी जो है ढूंढारी या जयपुरी, किशनगढ़ी, अजमेरी में बोली जाती है ये बोलियाँ। उसके बाद चौथा बिंदु है दक्षिणी राजस्थानी, इसको निमाड़ी बोली भी कहते हैं, निमाड़ी बोली के अंतर्गत यह बोली जाती है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, इसको मालवी बोली है, मालवी क्षेत्र में बोली जाती है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। इनमें निमाड़ी को अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत माना जाता है, मतलब निमाड़ी जो है वर्तमान काल में परिवर्तन हो गया है, मतलब ग्रियर्सन द्वारा जो निमाड़ी उस कोटि में रखे गए हैं, लेकिन वर्तमान काल में राजस्थानी हिंदी से निकालकर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, मतलब पश्चिमी हिंदी कोटि में रखी गई है निमाड़ी बोली। उसके बाद साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी का संबंध जो है सौरशनी से, एक साप्तागरी अपभ्रंश से माना जाता है, मतलब साहित्यिक दृष्टि से अगर आप ध्यान देंगे तो राजस्थानी हिंदी का संबंध जो है सौरशनी अपभ्रंश से या सौरशनी प्राकृत से है। हम एक एक बोली के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में अगर आप ध्यान देंगे तो यह पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है। अगर राजस्थान राज्य का नक्शा या मानचित्र आप साथ में रखकर अध्ययन करेंगे, अटलस को साथ में रखकर अध्ययन करेंगे, तो राजस्थान राज्य के पश्चिम दिशा में यह प्रमुख बोली है। इसका क्षेत्र जो है, मतलब मारवाड़ी बोली जाने वाली क्षेत्र है मारवाड़, मेवाड़, पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब और जयपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग है मारवाड़ी क्षेत्र का। मारवाड़ी के अंतर्गत भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से मारवाड़ी राजस्थानी की सभी बोलियों से बनी है। जैसे राजस्थानी हिंदी में जितने भी बोलियों के बारे में हम
विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, इन सभी बोलियों का प्रभाव मारवाड़ी बोली पर पड़ा है। इसका मतलब यह है अन्य बोलियों से संबंधित शब्दावली हो या लोकोक्तियाँ हो या मुहावरे हो, मारवाड़ी बोली में पाए जाते हैं आप। इसके बाद मारवाड़ी के अंतर्गत मारवाड़ी की बहुत सी उपबोलियाँ हैं, जैसे मेवाड़ी, सिरोही, थली, शेखावटी और बागड़ी उल्लेखनीय उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी के अंतर्गत। उसके बाद दूसरी बोली है मेवाती, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। यह जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मतलब राजस्थान की प्रमुख बोली है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब दिशा जो है, उत्तर और पूर्व के बीच में जो क्षेत्र है, मतलब राजस्थान का नक्शा में अगर आप देखेंगे तो उत्तर और पूर्वी के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है मेवाती बोली। तो इसमें इस पर पश्चिमी हिंदी का काफ़ी प्रभाव रहा। इस क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा गुड़गांव के आसपास है इसका क्षेत्र। तीसरी बोली है ढूंढारी या जयपुरी। ढूंढारी का मतलब दूसरा नाम है जयपुरी। तो यह मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली है, मतलब राजस्थान राज्य में जो बीच में क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में बोली जाती है जयपुरी या ढूंढारी। ढूंढारी प्रदेश शेखावटी और जयपुर के बीच में है। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है यहाँ ढूंढारी या जयपुरी यहाँ बोली जाती है, मतलब मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ढूंढारी या जयपुरी बोली। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ढूंढारी के अंतर्गत इसी के आधार पर इसका नाम ढूंढारी पड़ा है, मतलब ढूंढारी क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम ढूंढारी पड़ा है। अगर आप साहित्य के अंतर्गत इसको तुलना करेंगे या साहित्य के संदर्भ में अगर आप चर्चा करेंगे तो इस ढूंढारी में साहित्य प्राप्त होता है। इसी भाषा में मतलब इसी बोली में दादूपंथी साहित्य प्राप्त होता है, मतलब दादूपंथी जो है आदिकाल में प्राप्त होंगे। दादू दयाल इस पंथी को शुरू किया है, तो दादूपंथी जो साहित्य जो है ढूंढारी बोली में पाया जाता है। यह प्रश्न बन सकता है कि दादूपंथी साहित्य इस बोली में पाया जाता है। सही विकल्प है ढूंढारी या जयपुरी क्षेत्र। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ध्यान रखने के लिए आप लोग। फिर चौथा बिंदु है हाड़ौती। हाड़ौती में यह मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली है जो कि बूंदी, कोटा और उसके आसपास बोली जाती है। जैसे ध्यान देंगे तो हाड़ौती जो है मध्य पूर्वी राजस्थान की, मतलब पूर्वी क्षेत्र के जो मध्य भाग है वहाँ बोली जाती है हाड़ौती बोली। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि हाड़ौती बोली यहाँ बोली जाती है, तो हाड़ौती तो राजस्थान में बोली जाती है लेकिन राजस्थान में मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली है, जो यहाँ बोलने का क्षेत्र जो है बूंदी, कोटा और उसके आसपास बोली जाती है। हाड़ौती के अंतर्गत ग्वालियर के लोग हाड़ौती के इस रूप को शिवपुरी कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ हाड़ौती बोली का उपनाम है, मतलब दूसरा नाम भी है शिवपुरी। शिवपुरी उपनाम है, फिर यह शिवपुरी कौन दिए? ग्वालियर के लोग। ग्वालियर में रहने के, ग्वालियर में जितने भी जनता रहती है, जनता इस हाड़ौती को शिवपुरी नाम दिया है, फिर ये लोग बोलते हैं उसको ग्वालियर में। और यहाँ तीन चार प्रश्न बन सकते हैं, शिवपुरी कहाँ बोली जाती है? तो ग्वालियर में। तो शिवपुरी नाम कौन दिए हैं? ग्वालियर के लोग दिए हैं। शिवपुरी किसका उपनाम है, मतलब किस बोली का उपनाम है? हाड़ौती बोली का उपनाम है। इस प्रकार तीन चार प्रश्न बन सकते हैं यहाँ जहाँ उपनाम दिया गया है। फिर उसके बाद कोटा के आसपास इसे सियाड़ी कहते हैं। जैसे अगर आप ग्वालियर में देखें, अभी ग्वालियर के बाद अगर आप कोटा पर ध्यान देंगे तो कोटा में इसको सियाड़ी कहते हैं, ग्वालियर में शिवपुरी कहते हैं। यहाँ प्रश्न बन सकता है सियाड़ी किसको कहते हैं, किस बोली को कहते हैं? तो हाड़ौती बोली को सियाड़ी कहते हैं। सियाड़ी नाम कौन दिए हैं हाड़ौती बोली को? तो कोटा के लोग दिए हैं, कोटा में के आसपास बोली जाती है। इस प्रकार प्रश्न हो सकते हैं, मतलब बोलने का मतलब ये है जब आप लोग
कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो उस विषय पढ़ने के बाद जब आप समझेंगे उस विषय को, मतलब याद रखते हैं, उसके बाद खुद आप लोग प्रश्न बनाते जाइए, मतलब प्राथमिक रूप से बनाइए, गहन रूप से बनाइए, व्यापक रूप से बनाइए, नकारात्मक रूप से भी बनाइए, यह नहीं है, इस प्रकार भी प्रश्न आ सकते हैं परीक्षाओं में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, मालवी बोली, मालवी बोली जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है, मतलब दक्षिण और पूर्वी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, मतलब राजस्थान नक्शा अगर आप सामने रखेंगे, राजस्थान की नहीं है, अगर आप दुनिया से संबंधित या भारत का नक्शा, कोई राज्य का नक्शा सामने रखेंगे तो नक्शा का ऊपर जो है उत्तर पड़ेगा और एकदम नीचे दक्षिण पड़ेंगे। अगर आप राजस्थान का नक्शा सामने रखते हुए पढ़ेंगे तो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, मतलब राजस्थान राज्य का जो दक्षिण है उसके बाद पूर्वी क्षेत्र है, मतलब जो पूरब कहते हैं हम लोग, दक्षिण और पूरब के बीच में जो कोण है, उस कोण में जो क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है मालवी। उसके बाद उज्जैन, इंदौरपुरी, मेवाड़ी और देवास शुद्ध मालवी क्षेत्र हैं, मतलब हम कोई भी बोली के अंतर्गत परिनिष्ठित जो कहते हैं या मौलिक बोली या उपभाषा कहते हैं या मानक भाषा जो कहते हैं, वह मालवी जो है उज्जैन, इंदौरपुर, मेवाड़ी और देवास क्षेत्रों में शुद्ध मालवी, मतलब मानक मालवी बोली जाती है। राजस्थान मालवी के जो चारों ओर से जयपुरी, मेवाड़ी, गुजराती, खानदेशी, मराठी और बुंदेली से घिरा हुआ है मालवी बोली के चारों ओर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, चौथा बिंदु है बिहारी हिंदी की बोलियाँ, जैसे हम पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी हिंदी, चौथा है बिहारी हिंदी बोलियाँ। तो बिहारी हिंदी बोलियों के अंतर्गत आप पर्दे पर देखिए, बिहार में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को ग्रियर्सर ने बिहारी नाम दिया है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि बिहारी हिंदी का नाम कौन दिए हैं, वहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन विकल्प होंगे, उस पर आप चयन करना होगा। बिहारी उपभाषा को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो यह है पूर्वी बिहारी। पूर्वी बिहारी का क्षेत्र जो है मगही और मैथिली है, तो यहाँ बोली जाती है। उसके बाद पश्चिमी बिहारी, पश्चिमी बिहारी जो है भोजपुरी। बिहारी बोलियों में साहित्यिक रचना प्रमुखतः मैथिली में हुई है। जो भोजपुरी हम कह रहे हैं या बिहारी बोलियों में जो भी साहित्य प्राप्त होता है हमको, यह साहित्य जो है मैथिली में हुई है। उसके बाद मगही के बारे में हम चर्चा करेंगे। मगही जो है बोलने का क्षेत्र जो आपके पर्दे पर है, गया, हजारीबाग, मुंगेर, पालमऊ, भागलपुर और रांची के कुछ भागों में मगही बोली जाती है। मतलब मगही बोलने का क्षेत्र जो है गया, हजारीबाग, मुंगेर, पामों, भागलपुर और रांची के कुछ भागों में। इस प्रकार बिंदु है आपके सामने, प्रश्न बन सकता है गया में बोली जाने वाली बोली क्या है। गया में आपको रिक्त स्थान देंगे, बोली जाती है गया - बोली जाती है, वहाँ सही विकल्प है मगही बोली जाती है। उसके बाद मगही में ध्यान दीजिएगा, मगही के जो चारों ओर क्षेत्र हैं, मैथिली, दक्षिण में उड़िया, दक्षिण पूर्व में बंगाली, पश्चिमी भोजपुरी पड़ती है। मतलब मगही के जो सीमा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियाँ ये हैं। उसके बाद मगही में पर्याप्त लोक साहित्य प्राप्त होती है। उसके बाद इसकी मुख्य लिपि है कैथी और नागरी। इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कैथी में लिखी जाने वाली बोली, और यहाँ मगही भी कैथी लिपि में और नागरी लिपि में बोली जाती है। मतलब बिल्कुल ध्यान देने की बात यह है कि मगही भी कैथी और नागरी में लिखी जाती है, उसके साथ साथ मगही में पर्याप्त लोक साहित्य भी प्राप्त होता है। मैथिली जो है इसका क्षेत्र बिहार के
उत्तर भाग में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरनगर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया तथा उत्तरी संभल फरगाना में मैथिली बोली जाती है। जैसे पूर्णिया जिले में यह बोली जाती है। सही विकल्प है मैथिली। उसके बाद मैथिली बोली में अगर आप साहित्य पर ध्यान देंगे तो कई प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है। मुख्य रूप से साहित्यिक दृष्टि से मैथिली का बहुत विशिष्ट महत्व है, विशिष्ट स्थान है। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति बंगला तथा हिंदी की भी विभूति माने जाती हैं। जैसे विद्यापति की कीर्तिलता कीर्ति पताका की भाषा मैथिली ही है। यह प्रश्न बन सकता है, मैथिली बोली के प्रमुख कवि कौन हैं? मैथिली बोली के प्रमुख कवि यह हैं, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो मैथिली बोली के कवि मुख्य रूप से आपको विद्यापति प्राथमिक रूप से सामने होंगे आपको। तो कीर्तिलता कीर्ति पताका का भी भाषा भी मैथिली है। ऐतिहासिक दृष्टि से मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश के केंद्रीय या मध्य रूप से माना जाता है। मतलब अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा विस्तार से ध्यान देंगे तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश के केंद्रीय या मध्य रूप से माना जाता है। यहाँ प्रश्न बन सकता है, मैथिली किस अपभ्रंश से विकास हुआ है? मागधी अपभ्रंश के केंद्रीय या मध्य रूप से माना जाता है। उसके बाद मैथिली के लिए तीन लिपियों का प्रयोग चलता है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले भी चर्चा किए थे हम लोग मगही के अंतर्गत, तो यहाँ खैती और नागरी लिपि में मगही लिखी जाती थी। उसके बाद आप मैथिली में ध्यान देंगे तो वहाँ तीन लिपियों का प्रयोग चलता था। मैथिली ब्राह्मणों में मैथिली लिपि प्रचलित है जो कि बंगला से काफ़ी मिलती जुलती है। इसके लिए भी मैथिली लिपि है, मतलब मैथिली ब्राह्मणों में भी लिखी जाती थी। कैथी लिपि का भी काफ़ी प्रचलित है मैथिली लिपि के अंतर्गत। मैथिली साहित्य जो है कैथी लिपि में भी लिखा गया। उसके बाद हम ध्यान देंगे तीसरा बिंदु, भोजपुरी। भोजपुरी बिहार में सरन, चंपारण, रांची, पालामऊ और मुजफ्फरनगर के कुछ जिलों और प्रदेशों में बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती जिलों में बोली जाती है भोजपुरी। जैसे प्रश्न बन सकता है, चंपारण में यह बोली जाती है, चंपारण में बोली जाने वाली भाषा क्या है? इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, क्योंकि चंपारण जो है आप अगर जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान में देखेंगे तो चंपारण क्षेत्र का बहुत महत्व रखता है, क्योंकि चंपारण में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। तो वहाँ चंपारण प्रश्न देते हुए मतलब चंपारण क्षेत्र देते हुए प्रश्न बना सकता है इस बोलियों के अंतर्गत। चंपारण में बोली जाने वाली बोली मतलब भोजपुरी। इसके बाद रांची में बोली जाने वाली बोली क्या है? रांची में यह बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। इस प्रकार हम ध्यान देंगे तो कई प्रकार के प्रश्न। बनारस भी एक है, मतलब जिसे हम काशी कहते हैं, तो बनारस में बोली जाने वाली भाषा जो है भोजपुरी है। बनारस में बोली जाने वाली बोली क्या है? भोजपुरी है। इस प्रकार तमाम सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन परीक्षार्थी दुविधा में ना पड़े, आराम से कोई अटलस सामने रखिए, मानचित्र सामने रखिए। धीरे धीरे अगर आप पढ़ते हुए पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कई प्रकार के मतलब अभ्यास करने से अत्यंत आसान होगा और सरल से आप चयन कर सकते हैं सही विकल्प पर। भोजपुरी में इसका क्षेत्र पूर्व में मैथिली और मगही, दक्षिण में उड़िया, उत्तर में नेपाली और पश्चिम में अवधी बोली जाती है। उसके बाद इसकी लिपि जो है नागरी और कैथी है, दोनों में लिखी जाती है। बही खातों में महाजनी लिपि का प्रयोग होता है। उसके बाद भोजपुरी में लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है,
इसका मतलब यह है, इसका अर्थात भोजपुरी में लोक साहित्य भी प्राप्त होता है। उसके बाद पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोलियाँ, पहाड़ी प्रदेश में बोली जाने के कारण इसे पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ी उपभाषा वर्ग हिमाचल प्रदेश में भद्रवाह के उत्तर पश्चिमी से लेकर नेपाल के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। उसके बाद इसके अंतर्गत तीन प्रधान रूप माने जाते हैं, पश्चिमी पहाड़ी, जौनसारी, सिरमौरी, चामेआली भद्रवाही में, उसके बाद भी है मध्य पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली है, फिर सी है पूर्वी पहाड़ी नेपाली। इस प्रकार पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोलियाँ इस तरह हैं। पहाड़ी के लिए नागरी लिपि का अधिकांश प्रयोग मिलता है, लेकिन गौण रूप से टाकी, फारसी, कोची और सिरमौरी लिपियाँ भी प्रयुक्त होती थी पहाड़ी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत। फिर ऐतिहासिक दृष्टि से पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोलियों या भाषाओं का संबंध खस अपभ्रंश से माना जाता है। इन पर सौरसेनी का पर्याप्त प्रभाव मिलता है। पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोलियों के अंतर्गत कुमाऊनी नैनीताल के उत्तरी भाग अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में बोली जाती है कुमाऊनी, फिर इसका क्षेत्र गढ़वाली, तिब्बती, नेपाली और पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। कुमाऊनी की नई बोलियों में खस परजिया, कुमैया, पछाई, गंगोला, दंदापुरिया, सोराली, जोहारी आदि उल्लेखनीय हैं। कुमाऊनी में 150 वर्ष से नागरी लिपि में साहित्य मिलता है। उसके बाद गढ़वाली, गढ़वाल और उसके आसपास टेहरी, उत्तरकाशी, टेहराटून और उत्तर भाग में बोली जाती है गढ़वाली भाषा। इसकी कई उपबोलियाँ हैं जिनमें श्रीनगरिया, राठी, बतानी, दसवलिया, माझा कुमैया, नागपुरी, सलानी और तिहारी हैं गढ़वाल के अंतर्गत। श्रीनगरिया गढ़वाली का परिनिश्चित रूप माना जाता है। इसमें लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसकी लिपि है नागरी। ध्यान दीजिए, जो भी हम बोलियों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, तो इसमें जो उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया था, आरेख के सहारे, मानचित्र के सहारे लेते हुए अभ्यास कीजिएगा। दूसरे विषय के साथ फिर अगले कार्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।